हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चने की दाल का पुलाव। इसे आप अपने लंच में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं एक कुकर, इसे मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। डाल रही हैं एक बड़ा चम्मच घी। रेसिपी को आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब डाल रही हैं 1 से 2 टुकड़े दालचीनी, 2 डाल रही हैं हरी इलायची, डाल रही हैं 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। अब यहाँ पर मिला देंगे 1 से 2 तेज पत्ता और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से चटकने देंगे एक अच्छी सी खुशबू आने तक। डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको स्लाइस कर लेंगे और पीसेस को थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला स्लाइस यहाँ पे नहीं करना है। इसे थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कलर को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। 1 से 2 हरी मिर्च को डाल देंगे काट के, छोटा बड़ा साइज आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने घिस के डाल दिया है। पेस्ट डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब डाल रही हैं 8 से 10 काजू, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके पुलाव में। इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद डाल देंगे सोख की हुई चने की दाल। यहाँ पर मैंने आधा कप चने की दाल ली है और इसे भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे कम से कम भी सोख कर दें आधा घंटा पहले, इसे ये बहुत अच्छा पुलाव बनकर तैयार होगा। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे हल्दी का पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हैं और स्वाद अनुसार डाल देंगे यहाँ पर नमक। 1 छोटा चम्मच डाल रहे हैं जीरे का पाउडर और मैंने बिल्कुल 1/4 चम्मच यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाल दी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके पुलाव में। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे आमचूर का पाउडर, इससे थोड़ी सी खटाई हो जाएगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप टमाटर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 1 कप चावल, इन्हें मैंने सोक कर दिया था 10 से 15 मिनट पहले। बासमती राइस यहाँ पे यूज़ किया है, इसे भी डाल के सारी चीज़ों के साथ थोड़ा सा मिला लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 2 कप पानी, 1 कप चावल का मैंने यूज़ किया है तो 2 कप पानी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसे गीला खाना चाहते हैं तहरी की तरह तो 2.5 कप पानी आप यूज़ कर सकते हैं। मिला लेंगे और लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी। इसको मैंने थोड़ा सा तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, नहीं तो इसे वैसे भी आप डाल सकते हैं। 2 विसल आने तक कुकर को बंद करके रख देंगे, उससे आपका पुलाव झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, सिर्फ 2 विसल मैंने लगाई है और हमारा झटपट चने की दाल का पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। किसी भी चटनी के साथ, रायते के साथ या सिर्फ प्लेन दही के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। क्विक बनने वाली रेसिपी है, बच्चों को आप टिफिन बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। जब ये पुलाव बना रहे हैं, चने की दाल को थोड़ी देर पहले भिगा दें 15 से 20 मिनट पहले और उसी तरह से राइस को भी सोक कर दें, इससे पुलाव बहुत ही खिला खिला और टेस्टी बनेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपसे मिलेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।